Yes. चलिए बच्चों, सो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग. यस अर्चिता जी, शेखर जी, हरदीप जी, मुस्कान मैम, कैसे हैं? द ग्रेट जो भी है, प्लीज शेयर करो. सो आज से यस विजय, गुड मॉर्निंग. सो बच्चों, कहीं ना कहीं आप लोग इस चीज को मिशन रीसेट मान सकते हैं. आज हम नया टॉपिक अपना अपने फास्ट ट्रैक बेस्ट का, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक. और फर्स्ट टॉपिक अपना है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पमला. ठीक है, और रेगुलर बैच खत्म होने के पहले भी, लाइक व्हेन वी स्टार्टेड विद द रेगुलर बैच, हम लोगों ने इसी टॉपिक से शुरू किया था. आई थिंक कितने अपन इसके आंसर कितने लिखे थे क्वेश्चंस राइटिंग प्रैक्टिस में? आई थिंक 12 से 15 क्वेश्चंस हमने इसके क्लास में लिख के लिए थे. चलिए, हर्ष जी अ वेरी गुड मॉर्निंग, भव्य गुड मॉर्निंग, अभी आपका FM दूसरे स्ट्रीम की भी शुरू हो जाएगा. वैष्णवी बेटा गुड मॉर्निंग, और मैं गुजारिश करूंगा एवरी वन ऑफ यू टेक दिस एज अपॉर्चुनिटी. और बच्चों, यहां पे मैं आपको एक चीज बता दूं कि यहां पे मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूं, मैं कुछ भी कट शॉर्ट करके नहीं लाया हूं. जितना भी आईसीसीआई की मॉड्यूल कंटेंट है, सब कुछ यहां पर है. चलिए ठीक है, बस हम स्पीड थोड़ी सी अच्छी रखेंगे, बाकी मैं पूरा कंटेंट आपको यहां पर पढ़ाने वाला हूं. जय श्री राम. सर थोड़ा आवाज अटक रही है, एक बार चेक करना आवाज बराबर नहीं आ रही क्या? हेलो हेलो बेटा, ऑनलाइन वाले बच्चे एक बार मुझे बता देना ऑडियो वीडियो ठीक है. 5 to 7 मार्क्स का ये टॉपिक है. दिस टॉपिक इज ऑफ 5 to 7 मार्क्स. और एग्जाम में क्वेश्चंस जहां से आते हैं, प्रबल संभावना क्वेश्चन आता है कहां से बच्चों? अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी. आवाज बराबर नहीं है, द साउंड इज नॉट क्लियर. चलिए, इको हो रहा है ना आवाज? ओके, हेलो 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 हेलो. हेलो 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 हेलो, एक बार अभी चेक करना आवाज कैसी है. प्लीज चेक द साउंड राइट नाउ. हेलो, अभी बराबर है पहले से? चलिए, इस लेक्चर के बाद मैं और ठीक कर दिया. यह लाइट नहीं है बच्चों, अभी ठीक है आवाज? ऑनलाइन वाले बच्चे एक बार मुझे बता देना आवाज अभी ठीक है. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग शिवांश बेटा. चलिए, अभी बराबर है? चलो, दैट्स रियली नाइस. चलिए, अब इस टॉपिक में जो क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में, वो मोस्टली कहां से होंगे? एक क्वेश्चन आ सकता है अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी के साथ, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी से एक क्वेश्चन आ सकता है. उसके बाद दे कैन आस्क अ क्वेश्चन. उसके बाद क्वेश्चन पूछ सकते हैं बैंकिंग कंपनी और इंटरमीडियरी के ऑब्लिगेशंस क्या हैं. इस चैप्टर के अंदर एक क्वेश्चन आ सकता है कि भाई बैंकिंग कंपनीज और इंटरमीडियरी के ऑब्लिगेशंस बता दीजिए, एक क्वेश्चन वहां से भी आ सकता है. चलिए, और बच्चों, एक क्वेश्चन आ सकता है अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी के साथ, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी से क्वेश्चन. चलिए बच्चों, नाउ आई विल स्टार्ट. यस हर्ष जी, ऋषिकेश जी, एवरीवन अ वेरी 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 गुड मॉर्निंग. चलिए बच्चों, सो मैं आपके साथ शुरू करता हूं मन प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जिसको हम कहते हैं पमला. ठीक है, बहुत सिंपल सा एक्ट है. और अभी आपको पता है अरविंद केजरीवाल जी, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, वो भी जेल में है, वो इसी एक्ट के कारण है. और इस एक्ट के ऊपर जो कांग्रेस के लोग हैं, आप ये हैं, आम आदमी पार्टी के लोग हैं, वो हमेशा बोलते हैं कि ये जो एक्ट है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, संविधान की हत्या करने वाला ये कानून है बच्चों. तो लेट्स सी, हम उन सारे पहलुओं के ऊपर इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर, हम इस पर्टिकुलर टॉपिक में
हम हर एक चीज के ऊपर क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। यस गुलाम बेटा, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। चलिए बच्चों, तो सबसे पहले व्हाट इज मनी लॉन्ड्रिंग। सबसे पहले तो बच्चों आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, डायरेक्टली पमला के सेक्शन 3 में, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के सेक्शन नंबर 3 में डायरेक्टली उन्होंने बताया है कि हुसोएवर मतलब कोई भी व्यक्ति डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अटेम्प्ट करता है या कमिट करता है। देखिए अटेम्प्ट करना भी गलत है। अटेम्प्ट में सक्सेसफुल हो गए तो अटेम्प्ट तुम्हारा ऑफेंस कमिट हो गया। अटेम्प्ट टू कमिट और नोइंगली हेल्प्स और नोइंगली इज अ पार्टी और एक्चुअली इज इन्वॉल्व इन प्रोसेस एक्टिविटी कनेक्टेड विद व्हाट बेटा, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। तो बच्चों कोई भी इंसान अटेम्प्ट करता है, कमिट करता है या फिर क्या करता है, हेल्प करता है किसी पार्टी की, किसमें बच्चों, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से रिलेटेड चीजों को डील करने में, इंक्लूडिंग प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को छुपाना, पजेस करना, अक्वायर करना और यूज करना एंड क्लेमिंग दैट इट्स अ प्योर मनी और इट्स अ प्योर प्रॉपर्टी। सो कोई भी इंसान, अगर मैं एक लाइन में कहूं तो कोई भी इंसान जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम होती है उसको अक्वायर करता है, उसको अपने पास रखता है, उसको यूज करता है, उसको कॉन्सील करता है एंड क्लेम करता है कि वो क्या है बच्चों, दैट इज प्योर मनी और दैट इज प्योर प्रॉपर्टी, वो बंदा क्या होगा, ही विल बी गिल्टी ऑफ व्हाट बेटा, ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। और सेक्शन नंबर फोर क्या बताता है बच्चों, सेक्शन नंबर फोर बताता है कि मनी लॉन्ड्रिंग की जो पनिशमेंट होगी वो आपको 3 साल से लेकर 7 साल तक की जेल हो सकती है प्लस फाइन। तो सेक्शन 3 और सेक्शन 4 ये जो है बेसिक है। तो सेक्शन 3 बताता है कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, सेक्शन 4 बताता है कि मनी लॉन्ड्रिंग किया तो 3 से 7 साल तक का जेल हो सकता है प्लस फाइन हो सकता है। तो अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन, जितने भी आम आदमी पार्टी के लीडर्स क्या हैं, जेल में हैं। सो अगर ये कॉन्विक्ट हो गए, अगर इनका गुनाह साबित हो गया तो 3 से 7 साल तक के लिए क्या हो सकता है, ये जेल जा सकते हैं। ठीक है, उसके पहले इनके पास चॉइस है, बीजेपी ज्वाइन कर लें। प्रायर टू दैट दे हैव अ चॉइस दैट इफ दे ज्वाइन बीजेपी नेक्स्ट डे बच्चों उनके सारे पाप क्या हो जाएंगे, धुल जाएंगे। सो दे ऑल्सो हैव अ चॉइस। एनी वे लेट्स नॉट मेक अ कमेंट इन दैट, बट मैं बता दूं कि आई एम अ सपोर्टर ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी। मैं बहुत उनको मैं कलयुग का भगवान मानता हूं, बट अगेन ये चीज है कि अगर ये लोग क्या कर लें, बीजेपी ज्वाइन कर लें तो नेक्स्ट डे से इनके केस वेस क्या हो जाएंगे बच्चों, सब खत्म हो जाएंगे। एनी वे लेट्स नॉट गो इन टू पॉलिटिक्स। देन यू ऑल नो मनी लॉन्ड्रिंग जो होता है ये भी एग्जाम के हिसाब से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो 3 स्टेजेस में होता है। पहला स्टेज होता है बच्चों यू ऑल नो प्लेसमेंट, दूसरा जो स्टेज होता है दैट इज लेयरिंग, और तीसरा जो होता है दैट इज इंटीग्रेशन। प्लेसमेंट में क्या होता है, व्हाट हैपेंस इन प्लेसमेंट, यस लार्ज अमाउंट को स्मॉल स्मॉल सम्स में क्या किया जाता है बच्चों, ब्रेक किया जाता है और उसे हम बैंक अकाउंट में क्या करते हैं, जमा करते हैं। नंबर ऑफ फर्जी फेक बैंक अकाउंट खुलवाते हैं, फेक मतलब बेनामी बैंक अकाउंट, इन बैंक अकाउंट्स में क्या करते हैं, जमा कराते हैं। तो पहला हो गया प्लेसमेंट। लेयरिंग में उस पैसे को हम उसके ओरिजिनल सोर्स से और दूर लेके जाते हैं। लेयरिंग में क्या करते हैं बच्चों, जो गलत तरीके से कमाए गए पैसे थे उन पैसों को हम उनके सोर्स से और दूर लेके जाते हैं, जैसे कि हम उनको नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में, इंश्योरेंस पॉलिसीज में, शेयर मार्केट में क्या करते हैं, इन्वेस्ट कर देते। तो वो क्या हो गया बच्चों, वो अपने सोर्स से एक स्टेप दूर और आ गया। इंटीग्रेशन में क्या करते हैं बच्चों इंटीग्रेशन में ये जो भी हमने इन्वेस्टमेंट किया था उसको हम क्या करते हैं, लिक्विडेट करते हैं। इन्वेस्टमेंट हम क्या करेंगे, लिक्विडेट करेंगे। इन्वेस्टमेंट लिक्विडेट करने के बाद जो फेक बैंक अकाउंट में पैसा था उस बैंक अकाउंट से पैसा निकाल के किसके बैंक अकाउंट में आता है, मनी लॉन्डरर के बैंक अकाउंट में आता है, मतलब जिसने जिसका वो पैसा था उसके बैंक अकाउंट में आएगा। कैसे आएगा, एज अ लोन। कैसे आएगा, एज अ लोन, मतलब जितने भी वो बेनामी बैंक अकाउंट है उन सब में इन्वेस्टमेंट बेचेंगे और वो सारे बेनामी अकाउंट से पैसा किसके अकाउंट में आएगा, मनी लॉन्डरर के अकाउंट में आएगा। कैसे आएगा, लोन के फॉर्म में आएगा, और लॉन्डरर उससे क्या करेगा, लग्जरी एसेट्स, रियल एस्टेट वगैरह क्या कर लेगा, परचेस कर लेगा, या फिर वो बेनामी अकाउंट से पैसे विड्रॉ करके आप क्या कर सकते हो, प्रॉपर्टी में डाल सकते हो। बट आइडियली क्या होता है, प्रैक्टिकली क्या होता है, बेनामी अकाउंट से पैसा कहां ट्रांसफर होता है, उस लॉन्डरर के अकाउंट में ट्रांसफर होता है एंड देन इट इज इन्वेस्टेड। ठीक है, तो ये 3 स्टेजेस हो गए बच्चों मनी लॉन्ड्रिंग के। उसके बाद बच्चों यहां पर एक इंटरमीडिएट टर्म है जो सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज n में, या सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 क्लॉज n में
एक डेफिनेशन डिफाइंड है. कौन सी बच्चों? ये कौन है बच्चों? ये सारे सेम, ये सारे इंटरमीडिएट्स कौन है? जो सेबी के साथ रजिस्टर्ड है. जो किसके साथ रजिस्टर्ड है? जो सेबी के साथ रजिस्टर्ड है एज इंटरमीडिएट. दूसरा, जो इंटरमीडिएट्स फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1952 के अंदर रजिस्टर्ड है. इंटरमीडिएट जो पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ क्या है? रजिस्टर्ड है. इन सबको अपन ने क्या माना गया है? नाउ व्हाई हैव द इंटरमीडिएट्स बीन डिफाइंड? अरे एक मिनट यार, स्क्रीन फ्रीज होगी क्या? अरे जस्ट अ मिनट बच्चों, जस्ट अ मिनट. चलिए बच्चों, स्क्रीन फ्रीज हो गई थी, अभी आई थिंक इट्स ओके. चलिए बच्चों, एक बार चेक कर लीजिए, अभी स्क्रीन बराबर है. ओके ओके, दैट्स ग्रेट. हाँ जी, सो इंटरमीडिएट शब्द को हमने क्यों डिफाइन किया बच्चों यहां पर? व्हाई हैव वी डिफाइंड द टर्म इंटरमीडिएट? इंटरमीडिएट को बच्चों, क्योंकि एक चीज याद रखिए, इंटरमीडिएट को इस प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर हम इंटरमीडिएट को भी क्या करना चाहते हैं? रेगुलेट करना चाहते हैं. कि क्योंकि जो भी मनी लॉन्ड्रिंग होती है, जो भी क्या होती है, वट एवर मनी लॉन्ड्रिंग टेक्स प्लेस, इट टेक्स प्लेस थ्रू होम बच्चों, इंटरमीडरी. इंटरमीडरी का जो रोल है मनी लॉन्ड्रिंग में क्या है? काफी ज्यादा है, और उनको भी हम क्या करना चाहते हैं? रेगुलेट करना चाहते हैं. चलिए, तो अगेन जैसा कि मैंने सेक्शन 3 और सेक्शन 4 में, सेक्शन 3 डिफाइन करता है किसको? मनी लॉन्ड्रिंग को. सेक्शन 4 में क्या है बच्चों? मनी लॉन्ड्रिंग की पनिशमेंट है. ओके, उसके बाद एक क्वेश्चन है पास्ट एग्जाम का कि भाई इन इंडिया द ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग इज क्रिमिनली पनिशेबल. इसके ऊपर आपको क्या करना है? इसके ऊपर आपको कमेंट करना है. ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन एग्जाम में आया था. तो कुछ नहीं बच्चों, इसमें आपको पहले सेक्शन 3 डिफाइन करना है और उसके बाद सेक्शन 4 बताना है, और आपको लास्ट में कॉमेंट्री करनी कि यस इट इज क्रिमिनली पनिशेबल. क्यों? क्योंकि जो पनिशमेंट है वो किस फॉर्म में है? इंप्रिजनमेंट एंड फाइन. चलिए बच्चों, मनी लॉन्ड्रिंग का नुकसान क्या होता है? ये भी एग्जामिनर कभी कभी पूछ लेता है कि भाई मनी लॉन्ड्रिंग के इकोनॉमी के ऊपर क्या है? बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव है, बहुत ज्यादा खराब इंपैक्ट पड़ता है. सीधी बात है, आप कुछ पॉइंट लिख सकते हैं. जीडीपी का कैलकुलेशन गलत होता है, गवर्नमेंट का टैक्स जाता है. बच्चो, मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ जाती है, क्योंकि जब ब्लैक व्हाइट में कन्वर्ट होता है तो लोगों के पास बच्चों व्हाइट मनी बढ़ जाती है. व्हाइट मनी बढ़ती है तो वो कार खरीदते हैं, और जब इसके चलते क्या बढ़ती है? डिमांड बढ़ती है, और डिमांड बढ़ती है तो चीजों के प्राइसेस बढ़ जाते हैं. कहीं ना कहीं बच्चों, अगर मनी लॉन्ड्रिंग आसानी से होगी, ब्लैक मनी आसानी से व्हाइट मनी में कन्वर्ट होगी, क्या आपको नहीं लगता हर आदमी को लगेगा कि यार मैं क्राइम करता हूं? तो कहीं ना कहीं अगर मनी लॉन्ड्रिंग आसानी से होती है तो पीपल गेट्स एनकरेजमेंट. लोगों को क्या मिलता है? एक प्रकार से एनकरेजमेंट मिलता है. किस चीज का? कि चलो यार और ज्यादा हम क्या करते हैं? क्राइम करते हैं. आप देखिए, जितने भी बैकवर्ड कंट्रीज हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इन सारी जगहों पे यू विल सी क्राइम रेट इज हायर. क्यों क्राइम रेट हायर है? क्योंकि बच्चे यहां पर मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है? बहुत आसानी से जाती है. बट अगर आप टॉप कंट्रीज देखें, तो आप यूरोपियन कंट्रीज देख लीजिए, यूएस देख लीजिए, इंडिया देख लीजिए. इंडिया, मैं बोल रहा हूं, इंडिया इज ऑल्सो वन ऑफ द ग्रेट कंट्रीज. क्यों? क्योंकि अब अपने यहां पे क्या नहीं हो रही है? मनी लॉन्ड्रिंग करने में प्रॉब्लम आ रही है. बच्चों देखिए, जितने लोग भी कश्मीर में पत्थर फेंकना बंद हो गया बच्चों. क्यों? क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग क्या हो गई है? कंट्रोल किया है गवर्नमेंट ने. ये नहीं बोलता मैं खत्म हो गई, बट गवर्नमेंट ने क्या किया है? हाँ, अमेरिका में भी मनी लॉन्ड्रिंग होती है, बट अगेन इट इज कंट्रोल्ड. ठीक है, काफी अच्छे से क्या कर रहे हैं? हम उसको रेगुलेट कर रहे हैं. अब बच्चों, हम सिर्फ इंडिया में ही नहीं बच्चों, और बहुत सारे बच्चे, मुझे बहुत दुख है ये बोलने में, कि ग्लोबल इनिशिएटिव जो है मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर, ये बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं? एग्जाम के लिए स्किप करके जाते हैं बच्चों, विच यू शुड नेवर डू. और आप मेरे नोट्स देखेंगे तो मैंने बहुत सिंपल वे में बताया. तो सबसे पहले ग्लोबल इनिशिएटिव, ग्लोबल इनिशिएटिव में सबसे पहले इनिशिएटिव किसने लिया था? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो किसका ग्रुप है बच्चों? G7 कंट्रीज का ग्रुप है. इंडिया इज ऑल्सो अ मेंबर, इंडिया इज इन्वाइटिंग मेंबर ऑफ G7 बच्चों. और सबसे प्राइमरी बॉडी पूरे वर्ल्ड में मैं बोलूं तो सबसे
बड़ी बॉडी जो किसके ऊपर काम करती है, जो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए काम करती है, एक डेडिकेटेड बॉडी है, वो क्या है बच्चों? FATF. सो बच्चों FATF ने क्या क्या किया है मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए? सबसे पहले FATF क्या बनाता है? रूल्स बनाता है, रेगुलेशंस बनाता है, किस चीज को रोकने के लिए? मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए. और FATF की जितनी भी मेंबर कंट्रीज हैं उन सारे रूल्स को अपने यहां पे क्या करती हैं? अप्लाई करती हैं. दूसरा, FATF ये भी चेक करता है क्या कि जो भी FATF के मेंबर नेशंस हैं क्या वो FATF के रूल्स अप्लाई कर रहे हैं अपने यहां पे. उसके बाद ये रिसर्च करता रहता है मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर. क्या करता रहता है बच्चों FATF? कि भाई पूरे वर्ल्ड में कौन कौन सी नई टेक्निक्स यू नो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए की जा रही है, मनी लॉन्ड्रिंग के कौन कौन से तरीके देखे जा रहे हैं. और उसके बाद ऐसी कंट्रीज जो FATF की मेंबर नहीं है उनके साथ भी क्या करता है? कोऑर्डिनेट करता है. और एक चीज याद रखना, FATF लिस्ट भी मेंटेन करता है. जो कंट्रीज FATF के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं करती उसको FATF ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट में डाल देता है, जिसके चलते उन कंट्रीज को इंटरनेशनल फाइनेंस या फॉरेन फंडिंग लेने में क्या होती है? बहुत तकलीफ होती है. ये ध्यान में रखिए. तो FATF में मेन चीज क्या याद रखना है, एक कीवर्ड क्या याद रखना है कि भाई FATF क्या बनाता है? रूल्स और रेगुलेशन बनाता है जो FATF की सारी मेंबर कंट्रीज ने क्या करना है? फॉलो करना है. इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, FATF एक्टिवली टेक स्टेप टू काउंटर मनी लॉन्ड्रिंग, 4 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम है, आपके नोट्स में होगा. उसके बाद यूनाइटेड नेशन ने क्या किया है बच्चों? उसके बाद यूनाइटेड नेशन का ग्लोबल प्रोग्राम बच्चों, ठीक है. सो UNGPML, सो यूनाइटेड नेशन का क्या बच्चों? यूनाइटेड नेशन ने भी क्या बनाया बच्चों? ग्लोबल प्रोग्राम बनाया अगेंस्ट व्हाट बेटा? मनी लॉन्ड्रिंग. और एक चीज याद रखिए, यूनाइटेड नेशन के अंदर एक ऑफिस है. कौन सा ऑफिस है बच्चों? ऑफिस ऑफ ड्रग कंट्रोल एंड क्राइम प्रिवेंशन. तो अगर यूनाइटेड नेशन के ऊपर कुछ आता है एग्जाम में तो एक चीज सबसे पहला कीवर्ड क्या याद रखोगे? ऑफिस ऑफ ड्रग कंट्रोल एंड क्राइम प्रिवेंशन जो है इस प्रोग्राम को क्या करता है? इंप्लीमेंट करता है. प्रोग्राम के अंदर 3 मेन चीजें हैं बच्चों, ठीक है. हाँ बच्चों, 3 मेन चीजें. पहला क्या है बच्चों? टेक्निकल कोऑपरेशन. यूनाइटेड नेशन क्या करता है? हर एक कंट्री के साथ क्या करता है? कोऑपरेट करता है. दूसरा, यूनाइटेड नेशन भी क्या करता है? रिसर्च करता है और मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन क्या करता है? गवर्नमेंट के साथ, जो यूनाइटेड नेशन के मेंबर स्टेट्स हैं उनके साथ क्या करता है? शेयर करता है. और तीसरा, फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन सर्विसेज, मतलब जैसे इंडिया में ईडी है जो क्या है? फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन सर्विस है, जो मतलब मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड केसेस को क्या करती है? इन्वेस्टिगेट करती है. तो यूनाइटेड नेशन आपकी मदद करेगा किसमें? या आपकी कंट्री की जो भी फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन टीम है उसको भी क्या करेगा? यूनाइटेड नेशन सपोर्ट करेगा. कौन से प्रोग्राम के अंदर? यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल प्रोग्राम अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग, ये कट कर दीजिएगा. उसके बाद वियना कन्वेंशन. वियना कन्वेंशन भी किसने करवाया था? यूनाइटेड नेशन ने ही करवाया था वियना कन्वेंशन, अगेन मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए. और बेसिकली इसका फोकस यूरोप के ऊपर था. सो वियना कन्वेंशन में भी मनी, मतलब समझ लीजिए वियना में यूनाइटेड नेशन की मीटिंग हुई थी, अगेन मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए इस मीटिंग में बात हुई थी. और इस मीटिंग में 3 मेजर चीजों के ऊपर डिस्कशन हुआ. मनी लॉन्ड्रिंग को क्या डिक्लेयर किया जाएगा? क्रिमिनल एक्ट. करेक्ट है, इंडिया में क्रिमिनल एक्ट है सेक्शन 4, 3 साल से लेकर 7 साल तक के लिए पनिश करता है. दूसरा, इंटरनेशनल को हर एक कंट्री को दूसरी कंट्री के साथ क्या करना है? कोऑपरेट करना. जैसे आपको पता है स्विट्जरलैंड को सबके साथ कोऑपरेट करना होता है, क्योंकि आपको पता है इंडिया का सारा ब्लैक मनी कहां ट्रांसफर हो जाता है? स्विट्जरलैंड, श्रीलंका, मालदीव्स, ऐसी कुछ कंट्रीज है जहां पे इंडिया का क्या होता है? ब्लैक मनी ट्रांसफर होता है. तो इंटरनेशनल कोऑपरेशन बहुत जरूरी होता है बच्चों. और तीसरा, लोकल बैंक सीक्रेसी लॉ, मतलब अगर फॉरेन के लोग, फॉरेन की अथॉरिटीज अगर क्या करेंगी इंडिया में मनी लॉन्ड्रिंग की इन्वेस्टिगेशन करने आएगी तो लोकल बैंक सीक्रेसी लॉ कौन सा अपने यहाँ पे? बैंकर बुक एविडेंस एक्ट 1969, वो एप्लीकेबल नहीं होगा. तो अगर यूएस की एजेंसीज को किसी इंडियन के ऊपर शक है कि उसने मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड कोई ऑफेंस किया है तो यूएस की एजेंसीज के साथ क्या किया जाएगा? उस इंसान की बैंकिंग इंफॉर्मेशन को क्या किया जाएगा? शेयर किया जाएगा. यह डिसीजन कहां लिया गया? वियना कन्वेंशन. नेक्स्ट इज व्हाट बेटा? काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन. व्हाट इज काउंसिल ऑफ, सॉरी, काउंसिल ऑफ यूरोपियन कन्वेंशन क्या है बच्चों? ये बेसिकली किसका पार्ट है बच्चों? ये यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, ठीक है. और सेम यूरोपियन यूनियन की काउंसिल की भी मीटिंग हुई, इनकी भी कन्वेंशन हुई, इनकी मीटिंग हुई मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड. और इन्होंने भी क्या लिया बच्चों? डिसीजन लिए मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड. पहला, मेंबर्स और नॉन मेंबर, यूरोपियन यूनियन के जो मेंबर्स हैं और यूरोपियन यूनियन के जो मेंबर नहीं हैं उनके साथ हम क्या करेंगे? उनके साथ हम कोऑपरेट करेंगे. दूसरा, एक्टिविटी ऑफ ड्रग ट्रैफिकिंग विल बी क्रिमिनलाइज्ड, क्योंकि आपको पता है बच्चों ड्रग ट्रैफिकिंग
और मनी लॉन्ड्रिंग दे गो हैंड इन हैंड, प्रोस्टिट्यूशन, ड्रग ट्रैफिकिंग, आर्म्स डीलिंग, हथियार, ये सब कैसे होते हैं बच्चे? व्हाइट मनी में डीलिंग होती है, ब्लैक मनी में? तो सबसे ज्यादा ब्लैक मनी कहां से जनरेट होता है? ड्रग्स, प्रोस्टिट्यूशन रिंग्स, और तीसरा आर्म्स एंड अमिनेशन, इलीगल आर्म्स एंड अमिनेशन जो होते हैं, इसमें सबसे ज्यादा ब्लैक मनी जनरेट होता है। तो इन एक्टिविटीज को क्या किया जाएगा? क्रिमिनलाइज किया जाएगा। उसके बाद उन प्रॉपर्टीज को अटैच किया जाएगा जो मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल है, और कोऑपरेशन इन व्हाट बेटा? फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन। तो ये चार डिसीजन लिए गए। उसके बाद ये कन्वेंशन जो है पूरे यूरोपियन यूनियन के लिए कॉमन पॉलिसी बनाती है मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए। इंटरनेशनल कोऑपरेशन को क्या करती है? प्रमोट करती है। और अगेन अगर इंटर कंट्री मतलब एक कंट्री के लोग दूसरी कंट्री में जाके जाते हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, तो उनके साथ क्या किया जाएगा बच्चों? कोऑपरेशन किया जाएगा। उसके बाद तो ये हो गया काउंसिल ऑफ यूरोपियन कन्वेंशन, एंड देन व्हाट बेटा? यूरोपियन मनी लॉन्ड्रिंग डायरेक्टिव। बच्चों देखिए काउंसिल में क्या होगा बच्चों? यूरोपियन यूनियन की काउंसिल है जिसने नियम बनाए हैं। यूरोपियन मनी लॉन्ड्रिंग डायरेक्टिव भी कहीं ना कहीं किसका पार्ट है? यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, बट इसमें काउंसिल वर्ड यूज नहीं होगा। और इसमें जब आप यूरोपियन मनी लॉन्ड्रिंग डायरेक्टिव के बारे में क्वेश्चन लिखेंगे तो यहां पे आप एक ही चीज से क्वेश्चन शुरू करना, क्रॉस बॉर्डर लिबरलाइजेशन। याद रखना यूरोपियन मनी लॉन्ड्रिंग डायरेक्टिव अगर एग्जाम में आता है तो आपके दिमाग में एक ही क्वेश्चन आना चाहिए। कौन सा क्वेश्चन? क्रॉस बॉर्डर लिबरलाइजेशन। जैसा कि आप सबको पता है फ्रांस और जर्मनी का बॉर्डर यूरोप में बॉर्डर्स बहुत ज्यादा क्या है? लिबरलाइज हैं, जिससे मनी लॉन्ड्रिंग के चांसेस क्या होते हैं? बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि वहां पे बॉर्डर रिस्ट्रिक्शन यूरोप में है ही नहीं। बॉर्डर रिस्ट्रिक्शन बच्चों, एक फ्लैट में 2 BHK का फ्लैट है, 2 बेडरूम ब्रिटेन में है, 1 बेडरूम जर्मनी में। ऐसे तो वहां पे क्या है बच्चों? एक कैफे है, आधा कैफे इटली में है और आधा कैफे आई बिलीव जर्मनी में। ऐसा तो वहां पे क्या होता है बच्चों? ऑस्ट्रिया हंगरी। सो बॉर्डर्स वहां पे क्या है बच्चों? बहुत ज्यादा ओपन है, और इसके चलते मनी लॉन्ड्रिंग की संभावना क्या होती है? काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो बच्चों तो इन्होंने सेम 1991 में उन्होंने एक यूरोपियन मनी लॉन्ड्रिंग डायरेक्टिव निकाला जो सारी यूरोपियन यूनियन कंट्रीज को क्या करना है? फॉलो करना है। इस कंट्री में सेम क्या हुआ? सबसे पहला इस कंट्री में क्या, इस कन्वेंशन में क्या डिसीजन लिए गए? जितने भी यूरोपियन यूनियन के मेंबर हैं वो क्या करेंगे? दे विल फॉरबिड मनी लॉन्ड्रिंग। फॉरबिड मतलब प्रोहिबिट करेंगे मनी लॉन्ड्रिंग। दूसरा, यूरोप में क्या बनाया जाएगा बच्चों? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनाई जाएंगी और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बनाया जाएगा। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम मतलब बैंक्स को हम क्या करेंगे, वो जितनी भी इंस्टीट्यूशन है जहां से मनी लॉन्ड्रिंग हो सकती है उन सबको हम क्या करेंगे? कंट्रोल करेंगे। सबसे ज्यादा मनी लॉन्ड्रिंग की शुरुआत कहां से होती है बच्चों? बैंक से। तीसरा, बैंक्स को क्या करने हैं? अपने सारे क्लाइंट्स के रिकॉर्ड मेंटेन करने 5 साल के लिए, और सस्पिशियस ट्रांजेक्शन जो संदेहजनक ट्रांजेक्शन है उनको क्या करना है? रिपोर्ट करना है। उसके बाद बच्चों व्हाट इज बेसल कमिटी? बेसल कमिटी आप सबको पता है पूरे वर्ल्ड में जो भी बैंकिंग कंपनी अपने अकाउंट्स बनाती है वो किस कमिटी के रिकमेंडेशन पे, मतलब बैंकिंग कंपनी के लिए जो स्टैंडर्ड्स होते हैं अकाउंटिंग के, वो किसने बनाया बच्चों? बेसल कमिटी ने बनाया बच्चों। सो बेसल कमिटी ने भी क्या बनाया बच्चों? सो बेसल कमिटी ने भी कुछ नियम बनाए किस चीज के लिए? मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए। जैसे कि हर एक बैंक को कस्टमर को आइडेंटिफाई करने के लिए और कस्टमर को वेरीफाई करने के लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया रिप्लेसमेंट में क्या होता है? बेनामी अकाउंट्स खुलते हैं, फर्जी बैंक अकाउंट्स खुलते हैं। तो बेसल बोलते हैं कि भाई सबसे पहले क्या करना है, हर एक बैंक को क्या करना है? कस्टमर को आइडेंटिफाई करने के रूल बनना है, रूल बनाना है। हर एक बैंक को लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, जैसे इंडिया में कौन है? ईडी। ईडी है ना इस एक्ट के अंदर ऑथराइज डायरेक्ट एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। हर एक बैंक को लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के साथ क्या करना है? कोऑपरेट करना है, और उसके बाद क्लाइंट के द्वारा किए गए ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड मेंटेन भी करना है और इन ट्रांजेक्शन को रिपोर्ट भी करना है। इज दैट क्लियर? और बच्चों आयुस्को ने भी क्या लिया बच्चों? आयुस्को इज वर्ल्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटीज कमीशन। वर्ल्ड के जितने भी स्टॉक मार्केट के रेगुलेटर हैं उनका ग्रुप है, क्या बोलते हैं उसको? आयुस्को। सो आयुस्को ने भी रेजोल्यूशन पास किया कि आयुस्को के जितने भी मेंबर्स हैं वो क्या करेंगे? अपने अपने कंट्री में मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए क्या लेंगे? स्टेप्स लेंगे। इज दैट क्लियर? तो ये हो गया बच्चों ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन मनी लॉन्ड्रिंग। बच्चों नाउ This is very important, attachment of the property involved in money laundering. Yes, बच्चों please जिसके पास ये नहीं है, जिसके पास notes नहीं है please notes का link यहां पर share कर दीजिए यार बेटा, या फिर WhatsApp group पे मैं डाल देता हूं notes बच्चों। चलिए please share बच्चों, अगला जो डिस्कशन है इसके ऊपर एग्जाम में पक्के से क्वेश्चन आता है। मैं ये वाला पार्ट थोड़ा सा स्लो कर दूंगा और आप में से बहुत सारे लोग ध्यान से देखेंगे।
अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। प्लीज शेयर बच्चों, सबसे पहला इस एक्ट के अंदर जो डायरेक्टर्स अपॉइंट होते हैं, इस एक्ट के अंदर जो क्या होते हैं, सो कोई भी डायरेक्टर या कोई भी ऑफिसर हु इज नॉट बिलो द रैंक ऑफ डेप्यूटी डायरेक्टर, ठीक है, और डेप्यूटी डायरेक्टर कौन सा, जिसको डायरेक्टर ने क्या किया, ऑथराइज किया, अगर ये बिलीव करता है, इनको लगता है दे हैव अ रीजन टू बिलीव कि किसी इंसान के पास क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड पैसे हैं, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, या फिर कोई ऐसी प्रॉपर्टी विच इज द रिजल्ट ऑफ, मतलब किसी इंसान के पास ब्लैक मनी को उसने व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर लिया, तो उसके व्हाइट मनी है या फिर प्रॉपर्टीज है जो किसका रिजल्ट है, क्राइम का रिजल्ट है बच्चों, ठीक है, और वो इंसान उन प्रॉपर्टी को किससे बचाने के लिए, अटैचमेंट से बचाने के लिए या कॉन्फिस्केशन से बचाने के लिए, वो इंसान उस प्रॉपर्टी को क्या कर सकता है, बेच सकता है, ट्रांसफर कर सकता है, तो डायरेक्टर या डेप्यूटी डायरेक्टर क्या करके बच्चों, डायरेक्टर या फिर डेप्यूटी डायरेक्टर उस प्रॉपर्टी को 180 डेज के लिए क्या कर सकता है, क्या लिखा है मैंने, प्रोविजनली अटैच कर सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया बच्चों, सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया कि अगर इस एक्ट के अंदर जो डायरेक्टर अपॉइंटेड है या डेप्यूटी या फिर डेप्यूटी डायरेक्टर अपॉइंटेड है, कोई भी ऑफिसर जो डेप्यूटी डायरेक्टर के नीचे का नहीं है, उसको लगता है कि किसी इंसान के पास क्या है, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, और वो उसको ट्रांसफर कर सकता है, बेच सकता है, अपने से अलग कर सकता है, क्यों, कॉन्फिस्केशन से बचाने के लिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, दिस इज द फर्स्ट स्टेप कि हम उसको 180 डेज क्या कर लेंगे, प्रोविजनली अटैच, प्रोविजनली मतलब टेम्पररी, और अटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि हम उसको आपसे छीन लेंगे, नहीं, अटैचमेंट का मतलब प्रॉपर्टी आपके पास ही रहेगी, सिर्फ आप उसको क्या नहीं कर सकते, सेल नहीं कर सकते, आप पूरा उस प्रॉपर्टी को एंजॉय कीजिए, ठीक है। उसके बाद जैसे ही वो प्रोविजनली अटैच करेगा, उसके 30 दिन के अंदर वो किसको इन्फॉर्म करेगा, सेकेंड स्टेप, प्रोविजनली अटैच करने के बाद वो 30 दिन के अंदर किसको इन्फॉर्म करेगा, यस, वो इन्फॉर्म करेगा किसको, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को इन्फॉर्म करेगा, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कौन है, एन ऑफिसर हु इज नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी, वो उसको क्या करेगा, इन्फॉर्म करेगा, क्या बोल के, कि मैंने प्रॉपर्टी क्या की है, अटैच की है, इज दैट क्लियर, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद अब मामला किसके पास पहुंच गया, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास पहुंच गया, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या करेगी, नोटिस भेजेगी, किसको नोटिस भेजेगी, ओए यस, पार्टीज को नोटिस भेजेगी, कौन सी पार्टीज को, जिनके नाम पे, जिनकी प्रॉपर्टी क्या की है, प्रोविजनली हमने 180 के लिए क्या की है, अटैच किए, जैसे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को पता चलेगा वो नोटिस भेजेगी, क्या भेजेगी, नोटिस, और उनसे बोलेगी कि नोटिस का जवाब कितने के अंदर दो, 30 डेज में आप नोटिस का रिप्लाई दो, और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जॉइंट सेक्रेटरी जो है वो आपसे पूछता है कि बताओ तुम्हारी प्रॉपर्टी को हम कॉन्फिस्केट क्यों ना कर दे, व्हाई योर प्रॉपर्टी शुड नॉट बी ट्रीटेड एज अ प्रॉपर्टी विच इज अ रिजल्ट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है, आप क्या करोगे 30 दिन के अंदर, आप क्या दोगे बच्चों, 30 डेज के अंदर क्या दोगे, रिप्लाई दोगे, अच्छा अगर प्रॉपर्टी जॉइंट नेम में है तो, अगर प्रॉपर्टी जॉइंट नेम पे है तो सारे ओनर्स को रिप्लाई दिया जाएगा, ठीक है, उसके बाद आपने रिप्लाई दिया, बट एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या नहीं है, आपके रिप्लाई से सेटिस्फाइड नहीं है, तो भैया एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या परे पास करती है, ऑर्डर पास करती है, किस चीज का ऑर्डर पास करती है, कंटिन्यूएंस ऑफ अटैचमेंट, और ये कितने दिन के चलेगा बच्चों, ये 365 डेज, और जब तक क्या है बच्चों, पेंडिंग प्रोसीडिंग, मतलब आपका एप्लीकेशन जब तक किसके सामने चलेगा, स्पेशल कोर्ट के सामने चलेगा बच्चों, एक चीज याद रखिए बच्चों, सिर्फ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के ऑर्डर देने से प्रॉपर्टी परमानेंटली गवर्नमेंट को नहीं जाती हो, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या करता है कि भैया डायरेक्टर के डायरेक्टर या उसके नीचे वाले बंदे ने क्या किया है, प्रॉपर्टी अटैच की है, ठीक है भाई तुमने सही काम किया है, कितने दिन के लिए, हम बोल रहे हैं कि तुम यस 365 डेज तक क्या कर सकते हो आप, 365 डेज तक क्या कर सकते हो बच्चों, 365 डेज तक मैक्सिमम 365 डेज के लिए प्रॉपर्टी क्या कर सकते हो आप, अटैच कर सकते हो, जो 180 डेज का अटैचमेंट था उसको आप 365 डेज के लिए क्या कर सकते हो, एक्सटेंड कर सकते हो। अब बच्चों तो जैसे ही ऑर्डर पास होगा, किस चीज का, कंटिन्यूएंस ऑफ अटैचमेंट का, जैसे ही ऑर्डर पास होगा अपना, ये डायरेक्टर या फिर डेप्यूटी डायरेक्टर ये केस कहां पे लेके जाएगा, अब ये केस जाएगा, यस केस कहां पे जाएगा, स्पेशल कोर्ट में वो क्या करेगा बच्चों, अप्लाई करेगा, किस चीज के लिए अप्लाई करेगा, प्रॉपर्टी के कॉन्फिस्केशन के लिए, एंड देन मामला कहां पे पास होगा बच्चों, यस yes. अब बच्चों जो मामला है बच्चों वो चलेगा कहां पे बच्चों, स्पेशल कोर्ट में, इज दैट क्लियर, ये देखिए यहां पे लिखा है, इन द पीरियड ऑफ 365 डेज इन्वेस्टिगेशन इज कंडक्टेड एंड केस इज पुट बिफोर हूम बच्चों,
स्पेशल कोड फॉर द पर्पज ऑफ काउंटिंग 365 डेज। ओए 180 डेज उसने दिया था प्लस आपको 365 डेज अलग से किसने दे दिया बच्चों? स्पेशल कोड ने दिया। तो ये पूरे 365 डेज में क्या होगी बच्चों? इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, ठीक है। अच्छा अगर मान लो 365 दिन के दौरान कभी स्पेशल कोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन पे क्या लगा दिया? स्टे वगैरह लगा दिया, तो जितने दिन का स्टे लगाया उतने दिन से का पीरियड क्या हो जाएगा? एक्सटेंड हो जाएगा। उसके बाद बच्चों अच्छा पहले 180 दिन प्रोविजनली अटैच हुआ था ना, और जैसे ही प्रोविजनल अटैचमेंट को कंफर्मेशन दे दिया तो अब बच्चों अब आपको प्रॉपर्टी खाली करनी पड़ेगी, और प्रॉपर्टी का प्रदर्शन अब किसके पास आ जाएगा? डायरेक्टर्स के पास आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों अगर स्पेशल कोर्ट को समझ में आता है, क्या समझ में आता है? सेम, अगर स्पेशल कोर्ट को क्या समझ में आता है कि यार सच में प्रॉपर्टी किसका रिजल्ट है? मनी लॉन्ड्रिंग का रिजल्ट है बच्चों, तो स्पेशल कोर्ट फाइनल ऑर्डर पास करता है कॉन्फिस्केशन का, तो आपकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? फॉरफिट हो जाएगी, और किसको जमा हो जाएगी? सेंट्रल गवर्नमेंट को जमा हो जाएगी। अच्छा स्पेशल कोर्ट को अगर ये समझ में आता है कि नहीं यार मनी लॉन्ड्रिंग कुछ हुआ ही नहीं, फालतू में परेशान किया है, तो आपकी प्रॉपर्टी को रिलीज कर दिया जाएगा। इज दैट क्लियर? उसके बाद बच्चों हाँ जी अगर मान लो प्रोसीडिंग के दौरान क्या होता है किसी पार्टी का क्या हो गया, वो जिसकी प्रॉपर्टी थी उसकी डेथ हो जाती, तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रोसीडिंग क्या रहेगी? कंटिन्यू रहेगी। स्पेशल कोर्ट प्रॉपर्टी को रिलीज भी कर सकता है, कॉन्फिस्केट भी कर सकता है, ठीक है। उसके बाद बच्चों अगर मान लीजिए प्रोसीडिंग के दौरान अगर स्पेशल कोर्ट को यह समझ में आता है क्या कि बच्चों कि अगर मैंने प्रॉपर्टी को क्या किया? कॉन्फिस्केट किया, तो किसी पार्टी, एक ऐसी पार्टी जिस बेचारी पार्टी ने गुड फेथ में काम किया, उसका क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। तो बच्चों क्या स्पेशल कोर्ट उस बंदे को प्रॉपर्टी रिस्टोर कर सकता है? यस, ये चीज ध्यान में रखिए। जैसे कि मान लीजिए कि वो प्रॉपर्टी जो थी वो HDFC बैंक के फेवर में क्या रखी हुई थी? गिरवी रखी हुई थी, और बच्चों जेन्युइनली गुड इंटेंशन, अच्छी नियत में, HDFC को पता ही नहीं था कि प्रॉपर्टी किसका है। इट इज अ रिजल्ट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। यस, बेचारे HDFC बैंक को कुछ नहीं पता, उसने गुड फेथ में लोन दिया था प्रॉपर्टी को गिरवी रखे। सो क्या अगर स्पेशल कोर्ट को लगता है कि मेरे कॉन्फिस्केशन के ऑर्डर से किसी पार्टी को जिसने गुड फेथ में काम किया उसको क्या हो सकता है? लॉस हो सकता है, तो क्या उसको प्रॉपर्टी रिस्टोर कर सकते हैं? यस, लेकिन स्पेशल कोर्ट ऐसा तभी करेगा जब वो सेटिस्फाइड है क्या कि उस पार्टी ने कैसे काम किया है बच्चों? गुड फेथ में काम किया है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन ऑफ यू? तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो ये मैंने आपको पूरा प्रोसीजर बताया। तो यहां पे 3 स्टेज है। पहला क्या है? अटैचमेंट 180 डेज, उसके बाद फर्दर कंफर्मेशन ऑफ द अटैचमेंट, ये कितना है, और ये 365 डेज के अंदर या जब तक मामला क्या रहता है? पेंडिंग रहता है। उसके बाद क्या होता है? फाइनल ऑर्डर पास होता है किसका बच्चों? कॉन्फिस्केशन का। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना। दिस वॉज द फर्स्ट स्टेप, दिस इज सेकेंड स्टेप, एंड तीसरा स्पेशल कोर्ट क्या करता है बच्चों? फाइनल ऑर्डर पास करता है। नाउ सीधी बात है, जैसे एक बार कोर्ट ने क्या कर दिया बच्चों? कॉन्फिस्केशन का ऑर्डर पास किया, प्रॉपर्टी किसमें वेस्ट हो जाती है? प्रॉपर्टी का ओनर कौन बन जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। और उसके ऊपर जो भी चार्ज होते हैं, जो भी लीज वगैरह है, वो सब क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। प्रॉपर्टी का ओनर कौन बन जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद बच्चों ये वाला पॉइंट जो मैं बोल रहा था कि बहुत सारे बच्चे एग्जाम में स्किप करके जाते हैं, सेक्शन नंबर 12, 13 और 15 क्या है बच्चों? क्या है? ऑब्लिगेशन ऑफ बैंकिंग कंपनीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड इंटरमीडियरी, व्हाट आर देयर ऑब्लिगेशन? कुछ नहीं बच्चों, सबसे पहले इनका ऑब्लिगेशन क्या है? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर, क्योंकि सारी मनी लॉन्ड्रिंग इनके थ्रू होगी, तो इनका सबसे पहला ऑब्लिगेशन क्या है बच्चों? इनका ऑब्लिगेशन है उन सारे ट्रांजेक्शन का क्या करें? रिकॉर्ड मेंटेन करें, जिस ट्रांजेक्शन के अंदर क्या है बच्चों? प्रिस्क्राइब्ड वैल्यू के ट्रांजेक्शन, चाहे वो वन ट्रांजेक्शन हो या सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन हो, ठीक है। एक महीने के अंदर अगर उतने वैल्यू के ट्रांजेक्शन हो रहे हैं तो आपको क्या करना है? उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना है। प्रिस्क्राइब का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बना के प्रिस्क्राइब करती है। एट प्रेजेंट आई बिलीव इट इज 10 लाख रुपीज। उसके बाद ये रिकॉर्ड जो आप मेंटेन करते हो छुपा के रखने हैं, या इस एक्ट के अंदर जो ईडी है, डायरेक्टर है, वो जब मांगेगा तो आपको दिखाना है उसको, आपको डायरेक्ट रिकॉर्ड प्रोड्यूस करने हैं। रिकॉर्ड कितने साल के लिए मेंटेन करना है? 10 ईयर्स। रिकॉर्ड ऑफ आइडेंटिटी मेंटेन करना है, मतलब जिन क्लाइंट्स के रिकॉर्ड आप मेंटेन करते हो उन क्लाइंट के आइडेंटिटी प्रूफ, आधार वगैरह के भी रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं। उसके बाद डायरेक्टर आपसे क्या कर सकता है इस एक्ट के अंदर? रिकॉर्ड कॉल कर सकता है, या फिर रिकॉर्ड की क्या कर सकता है? इंक्वायरी भी कर सकता है, ये देखने के लिए कि भाई जिस इंसान का रिकॉर्ड आपने मेंटेन किया उसने कौन कौन से ट्रांजेक्शन किए। और बच्चों अगर
बैंक्स का जब डायरेक्टर ईडी जब बैंक्स वगैरह के यहाँ पे रिकॉर्ड चेक करता है और उसको समझ में आता है कि बैंक्स ने रिकॉर्ड बराबर से मेंटेन, तो कितने की पेनल्टी बच्चों? फाइन लगा सकता है। कितने का बच्चों? 10,000 से लेके 1,00,000 तक का। उसके बाद रिकॉर्ड को मेंटेन कैसे करना है इसके बारे में रूल्स बनाए जा सकते हैं, यस और नो बच्चों? और सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी एंटिटी को एग्जम्प्ट कर सकती है किसी से रिकॉर्ड मेंटेन करने से। बच्चों ये कितने पॉइंट है टोटल? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, लेकिन एक एक दो दो लाइन के ही पॉइंट है बच्चों। सो आप लोग ये बच्चों, मैं बहुत सारे बच्चों को जानता हूँ ये डायरेक्टली छोड़ देते हैं एग्जाम में। एक्चुअली मॉड्यूल में पूरा एक पेज का उन्होंने बड़ा सा करके दिया है आईसीएसआई की मॉड्यूल में, बट मैंने इसको एकदम शॉर्ट में करके लिखवाया बच्चों, समराइज में लिखवाया। सेम मैंने आपको क्वेश्चन का आंसर भी लिखवाया क्लास में, ठीक है बच्चों? यही आपको याद रखना है, ये ऐसा ही आपको लिखना है। आप, मैं गारंटी देता हूं कि आप देख के बता दीजिए कि मॉड्यूल का मैंने एक भी पॉइंट अगर मिस किया है तो। चलिए ये देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन कई बार 3 से 4 बार एग्जाम में आ चुका है। चलिए बच्चों, सो नाउ नेक्स्ट क्या है बच्चों? समन, सर्चेस एंड सीजर। देखिए अटैचमेंट प्रॉपर्टी का होगा। अब बेसिकली यहां पर जो हम आगे पढ़ने वाले समन, सर्च एंड सीजर, यहां पे बेसिकली क्या होगा? रिकॉर्ड भी हो सकता है और प्रॉपर्टीज भी हो सकती है, बट यहां पे मेरा मेन जो है यहां पे समन, सर्च, सीजर वगैरह की चीज करेंगे अपन, डॉक्यूमेंट्स का, पेपर्स का, ठीक है? प्रॉपर्टी भी है बट प्राइमरली यहां पे फोकस किसका होगा, क्योंकि जो भी अटैचमेंट वगैरह था वो अपन ने ऊपर सेक्शन 5, 6, 7 में कवर किया। चलिए इधर देखते हैं सेक्शन 16। नाउ वी विल डायरेक्टली कम टू सेक्शन 16 ऑफ फॉर्मुला। चलिए बच्चों, सेक्शन 16 क्या बोलते हैं? अगर कोई ऑफेंस हुआ है, ध्यान से देखिए, अगर इस एक्ट के अंदर क्या हुआ है, कोई ऑफेंस हुआ है, तो इट एम्पावर्स पर्सन टू एंटर इनटू प्लेस अपने एरिया में। मतलब अगर इस एक्ट के अंदर कोई ऑफेंस हुआ है तो जो बंदा अपने, मतलब एक बंदा अपने ज्यूरिसडिक्शन में क्या कर सकता है, किसी भी जगह पे क्या कर सकता है, एंटर कर सकता है सर्च करने के लिए, ठीक है? लेकिन कब? अगर उस बंदे को लगता है कि क्या हुआ है इस एक्ट के अंदर, ऑफेंस हुआ है, ऑफेंस मतलब गुनाह हुआ है। कौन सा गुनाह हुआ है? मनी लॉन्ड्रिंग का। सेक्शन 17 क्या बोलता है? ऐसा सेक्शन 16 सब सेक्शन 3 क्या बोलता है? वो बंदा जो रिकॉर्ड्स, अब वो घुस जाएगा, घुसने के बाद जो रिकॉर्ड्स वो क्या करेगा, इंस्पेक्ट करेगा, वहां पे अपना मार्क लगा देगा। क्या लगा देगा? मार्क। क्यों? ताकि कंपनी उनको क्या ना कर ले, चेंज ना कर ले। ओके, सेक्शन 17 क्या किस चीज की अथॉरिटी देता है? सर्च एंड सीजर। सेक्शन 17 के अंदर जो इस एक्ट के अंदर डायरेक्टर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, उनको क्रिमिनल कोर्ट की पावर मिलती है। वो क्या कर सकते हैं? रिकॉर्ड्स को सर्च भी कर सकते हैं और रिकॉर्ड्स को क्या कर सकते हैं? सीज भी कर सकते हैं। प्लस वो क्या ले सकते हैं? जो भी रिकॉर्ड इंस्पेक्ट करते हैं उनको क्या कर सकते हैं? उनके एक्सट्रैक्ट भी ले सकते हैं। मेक इन्वेंट्री ऑफ द प्रॉपर्टी वेरीफाइड, मतलब जो एसेट्स, जो रिकॉर्ड्स, प्रॉपर्टी उन्होंने वेरीफाई किए उनकी क्या मेंटेन कर सकते हैं? इन्वेंट्री मतलब लिस्ट बना सकते हैं, वहां पे अगर कोई लोग हैं तो उनसे क्या ले सकते हैं? स्टेटमेंट ले सकते हैं। और सेक्शन 18 क्या बोलता है? कोई भी पर्सन या कोई भी अथॉरिटी किसके बिहाफ पे? सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने जनरल या स्पेसिफिक ऑर्डर से ऑथराइज किया, वो क्या कर सकते हैं? सेम सर्च एंड सीजर। सर्च एंड सीजर सेक्शन 17 के अंदर भी था और सेक्शन 18 के अंदर भी क्या है? सर्च एंड सीजर। सेक्शन 18 के अंदर पर्सन भी है और अथॉरिटी भी है, ठीक है? तो इस एक्ट के अंदर बच्चों आप एक चीज समझिए, इस एक्ट के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब गवर्नमेंट को हम क्या दे रहे हैं बच्चों? वी आर प्रोवाइडिंग लॉट मेनी पावर्स टू द गवर्नमेंट। कि आप पहला तो अटैचमेंट वाला अपने देख लिया, 180 दिन प्लस 365 डेज, ठीक है? देन कम सेक्शन 19। सेक्शन 19 क्या है बच्चों? अरेस्ट ऑफ पर्सन। बच्चों केजरीवाल, सत्येंद्र जैन, जितने भी आम आदमी पार्टी के लीडर्स हैं अपने महाराष्ट्र में, अनिल परब करके एक, नहीं सॉरी, महाराष्ट्र में भी बहुत सारे लीडर्स अंदर गए थे बीजेपी ज्वाइन करने के पहले, ठीक है? तो ये सारे लोग जो अरेस्ट हुए हैं, कौन सेक्शन के अंदर अरेस्ट हुए हैं, इन सबको कौन उठा के लेके गया है बच्चों? इन सबको एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट उठा के लेके गया है, ईडी उठा के लेके गया है बच्चों। तो सबसे पहला बच्चों कौन कर सकता है अरेस्ट? डायरेक्टर, डेप्यूटी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर और कोई भी ऑफिसर जिसको किसने ऑथराइज किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑथराइज किया है। आफ्टर रिकॉर्डिंग रीजन इन राइटिंग, पहले क्या करेंगे? रीजन रिकॉर्ड करेंगे कि कोई भी इंसान इस एक्ट के अंदर क्या है, ऑफेंस का गिल्टी है, वो इंसान उसको क्या कर सकता है बच्चों? अरेस्ट कर सकता है। और जैसे ही आप उसको अरेस्ट करते हो सबसे पहले उसको ग्राउंड्स बताओ। केजरीवाल भी सेम चीज,
आपको पता है केजरीवाल को ईडी ने 18 नोटिस दिए थे, उसने रिप्लाई नहीं दिया। क्यों? वो पहले से लेके 18वें नोटिस तक उसने रिप्लाई इसलिए नहीं दिया क्योंकि ही वांटेड, ही न्यू कि मैं जाऊंगा वो मुझसे क्वेश्चन करेंगे, उनके पास क्या जाएगा, रीजन टू बिलीव आ जाएगा कि साला मैंने इस एक्ट के अंदर क्या किया है, गुनाह किया, और वो मुझे तुरंत मेरे को घर वापस नहीं जाने देंगे, अरेस्ट कर लेंगे। तो 18 समन्स जब नहीं दिए तो ईडी खुद उसके घर पे पहुंच गई और उससे इंक्वायरी की, और इंक्वायरी करने के बाद डायरेक्टली उसको क्या कर लिया, अरेस्ट कर लिया, उसको रीजन बताया कि उसको अरेस्ट क्यों किया। उसके बाद अरेस्ट कौन करने गया होगा उसको, ईडी का कौन सा ऑफिसर, डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, या फिर जिसको ऑफिसर ने सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है, ऑथराइज किया है, ठीक है। उसके बाद अरेस्ट करने के बाद जो अरेस्ट ऑर्डर की कॉपी होती है, जो अरेस्ट ऑर्डर की क्या होती है, कॉपी होती है, वो आपको किसको फॉरवर्ड करना है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को क्या करना है बच्चों, फॉरवर्ड करना है। मतलब आपको ज्वाइंट सेक्रेटरी को बताना है कि मैंने क्या किया इस एक्ट के अंदर, मैंने इस एक्ट के अंदर क्या किया है, अरविंद केजरीवाल को क्या कर लिया, अरेस्ट कर लिया है। अब कांग्रेस वाले बोलते हैं या बाकी लोग बोलते हैं कि अरविंद केजरीवाल को गलत अरेस्ट किया गया है, ठीक है, फंसाया जा रहा है, विपक्ष को बर्बाद किया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। अरेस्ट करने के कितनी देर के अंदर, 24 आवर्स के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने लेके जाते हैं बच्चों, ले जाना ही पड़ेगा आपको, पता ही है कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा है। तो केजरीवाल को कहां पे लेके गए हम, मजिस्ट्रेट के सामने, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने लेके गए। वहां पे केजरीवाल का भी वकील आएगा और गवर्नमेंट का भी वकील आएगा, दोनों वकीलों के बीच में क्या होगी, बहस होगी। और अगर मान लो गवर्नमेंट ने, केजरीवाल को परेशान करने के लिए अरेस्ट किया होता तो क्या नहीं, इसे केजरीवाल का वकील भी कोई छोटा मोटा आदमी, आई थिंक कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंह भी वकील थे बच्चों, और गवर्नमेंट का वकील कौन था अपने को पता भी नहीं है। तो बच्चों ये इतने बड़े बड़े वकील जो एक सुनवाई का 25-25 लाख रुपए लेते हैं, ये तो तुरंत छुड़ा के ले जाते, नहीं छुड़ा के ले जा पाए ना, बेल नहीं करवा पाए। मतलब क्या है, आई डोंट नो कि केजरीवाल गिल्टी है नहीं है, बट प्राइमा फेसी तो केस बनता है केजरीवाल के अगेंस्ट, नहीं करा पाए बच्चों। आज एक महीना हो गया मेरे ख्याल से वो जेल में ही है, और बेल लेने के लिए आपको पता ही होगा शुगर खा रहा है, आम खा रहा है, मैंगो स्वीट्स खा रहा है, दुनिया भर की चीजें खा रहा है ताकि शुगर बढ़ जाए और बेल मिल जाए बच्चों। चलो अच्छा, यहां तक सब मेरे साथ है। नाउ रिटेंशन ऑफ द प्रॉपर्टी एंड रिकॉर्ड्स, रिटेंशन ऑफ प्रॉपर्टी एंड रिकॉर्ड्स, जो भी आपने डॉक्यूमेंट ऊपर क्या किए थे बच्चों, फ्रीज किए थे, सर्च किया था, सीज किया था, उसको आप मैक्सिमम कितने दिन रख सकते हो अपने पास, रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट जो भी आपने अपने पास क्या किया था, सीज किया था, उसको आप 180 डेज तक अपने पास रख सकते हो। अब यहां पे प्रॉपर्टी भी इंक्लूड कर दिया है, तो मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी भी आपको वहां पे मिल जाती है तो आप कितने तक रख सकते हो, 180 डेज के पास, इज दैट क्लियर। उसके बाद आपने अपने पास उन रिकॉर्ड सीज वाले डॉक्यूमेंट को 180 डेज तक रखा हुआ है, किसको इन्फॉर्म कर दीजिए, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को आप क्या कर दीजिए, इन्फॉर्म कर दीजिए, इज दैट क्लियर। उसके बाद हाँ जी, अब आप उसको क्या करना चाहते हैं बच्चों, 180 डेज तक तो ये रख सकते हैं, कौन रख सकते हैं, यहीं पे होगा, 15 सवानों को छोड़ूंगा मैं। उसके बाद बच्चों जो भी रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट आपने क्या किए, सीज किए, अब आपको 180 डेज से ज्यादा के लिए रखना है तो ऑर्डर कौन पास करेगा, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कब पास करेगी, जब ये रिकॉर्ड, ये डॉक्यूमेंट, ये प्रॉपर्टी किससे रिलेट करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग से। अगर नहीं करते तो क्या करेंगे, आपको वापस कर देंगे। लेकिन वापस कर दिया तो 180 डेज तक तो कौन रख सकता है, डायरेक्टर रख ही सकते हैं, उससे ज्यादा के लिए रखना है तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। लेकिन अगर मान लो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने बोल दिया कि नहीं, ये रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट पेपर जो भी आपने सीज किए हैं, जो भी आपने क्या किए हैं, सीज किए हैं, उनको वो मनी लॉन्ड्रिंग से उनका कोई रिलेशन नहीं, वापस कर दो, तो भी ये जो ऑफिसर है 180 प्लस 90 डेज के लिए अपने पास एक्स्ट्रा रख सकता है कि भाई मैं एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के डिसीजन से क्या नहीं हूं, सेटिस्फाइड नहीं हूं, इसके मैं इसके एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के डिसीजन के अगेंस्ट मैं क्या करूंगा, अपील करूंगा। तो 180 प्लस 90 डेज, वहां पे क्या था, 180 प्लस 365 डेज, इज दैट क्लियर, ये आप ध्यान में रखेंगे। तो यहां पर यह चीज आप ध्यान में रख सकते हैं। तो वहां पे हमने क्या किया था, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज, और यहां पे सीजर के बाद की बात थी, यहां पे पहले क्या कर रहे थे आप, सीज कर रहे थे, वहां पे अटैच कर रहे थे। तो जब आप सीज करें तो यहां पे मैंने बताया कि सेक्शन 17-18 बेसिकली किससे रिलेट करेंगे, डॉक्यूमेंट से। प्रॉपर्टी है तो आप कहां पे जाएंगे, सेक्शन नंबर 5 में। उसके बाद बच्चों सेक्शन 21 किससे रिलेट करता है बच्चों, रिटेंशन ऑफ रिकॉर्ड, सेम कितने लिए आप रिटेन कर सकते हैं, डायरेक्टर जो भी सीज करता है वो इन रिकॉर्ड्स को कितने अपने पास मेंटेन कर सकता है, 180 दिन के लिए। ये सुनो बच्चों, ओके अच्छा, तुमने ले लिया ना उससे, अटैच कर लिया,
तो जिसके वो डॉक्यूमेंट जहां से तुमने अटैच किया है, क्या वो अपने पास उसकी जेरोक्स ले सकता है कि भाई ठीक है ओरिजिनल आपके पास है बट मुझे जेरोक्स जरूरत ताकि मैं अपना काम कर पाऊं? एक मिनट, समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? तुमने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले लिए, नहीं मैंने इसके बदले शायद ये लिखवाया है, एक बार चेक करना बच्चे मैंने कटवाया था रेगुलर क्लास में नहीं, तो फिर इसके बदले आपने लिखा होगा, आपके नोटबुक में होगा, मैंने कुछ तो क्वेश्चन लिखवाया होगा। यस, तो हो गया ना भाई, वही आ गया। तो जब जब भी कोई डॉक्यूमेंट क्या हो गया, प्लीज सी हियर सेक्शन 21 रिटेंशन ऑफ द रिकॉर्ड। तो जब डॉक्यूमेंट क्या किए गए बच्चों, ओए जब डॉक्यूमेंट क्या किए गए आपसे, सीज किए गए हैं या फिर रिटेन किए गए हैं, तो कितने लिए रिटेन करेंगे? 180 डेज के लिए। जिस इंसान से डॉक्यूमेंट अपन ने क्या किए हैं, रिटेन किए हैं, वो क्या मांग सकता है बच्चों? वो बोल सकता है कि ओरिजिनल आप रख लो पर उनकी कॉपीज आप मुझे दे दो। उसके बाद 180 दिन से ज्यादा डेज रखना है तो किसकी परमिशन लगेगी? 180 दिन से ज्यादा डेज रखना है तो किसकी परमिशन लगेगी? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी की परमिशन लगेगी। इज दैट क्लियर? और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कब ऐसा ऑर्डर पास करेगी? जब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को लगता है कि इन्वेस्टिगेशन के लिए इन डॉक्यूमेंट्स की क्या है जरूरत, तभी वो ऑर्डर पास करेगी, अदरवाइज वो क्या करेगी बच्चों? आपको वापस कर देगी। ठीक है, उसके बाद प्रिजम्पशन ऑफ इंटरकनेक्टेड ट्रांजेक्शन सेक्शन 23 क्या बोलता है? अगर एक ट्रांजेक्शन गवर्नमेंट को लगता है, ऑफिसर्स को लगता है कि एक ट्रांजेक्शन मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेट करता है, तो उस ट्रांजेक्शन से रिलेटेड उस ट्रांजेक्शन की सीरीज में जितने भी ट्रांजेक्शन, हम सबको क्या मानेंगे? हम सबको मानेंगे कि वो क्या है, इंटरकनेक्टेड है और मनी लॉन्ड्रिंग से क्या करते हैं, रिलेट करते हैं। व्हाट आर दीज स्पेशल कोड्स? कुछ नहीं बच्चों, ये सारे कौन से कोड्स हैं? अरे क्रिमिनल कोड्स हैं। स्पेशल कोड्स क्या है बच्चों? इस एक्ट के अंदर जो भी फाइन और इंप्रिजनमेंट वाले ऑफेंसेस हैं, उन सारे ऑफेंसेस को ट्राई करने के लिए क्या बनाया गया है बच्चों? क्या बनाया गया बच्चों? कोर्ट ऑफ सेशंस, कोर्ट ऑफ सेशंस, या फिर कोई दूसरा कोर्ट जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट डेजिग्नेट करेगी, किससे हथ कंसल्ट करके? चीफ जस्टिस से हथ कंसल्ट करे। कुछ नहीं बच्चों, स्पेशल कोर्ट का मतलब ऐसे कोर्ट जहां पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर अपन क्या कर सकते हैं, केसेस फाइल कर सकते हैं विद रिगार्ड टू मनी लॉन्ड्रिंग। पनिशमेंट फॉर व्हाट बेटा? ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। तो एक मिनट, तो इसके अंदर बच्चों अगर किसी भी इंसान को क्या देना है बच्चों आपको, किसी भी इंसान को जिसको आपने क्या किया है, अरेस्ट किया है, अगर वो क्या मांगता है, बेल मांगता है, तो क्या उसको डायरेक्टली बेल मिलेगी क्या? जैसे आपको पता है सीआरपीसी के अंदर डायरेक्टली बेल मिल जाती है पर्सनल बॉन्ड पे, ओन बॉन्ड पे नहीं। केजरीवाल को डायरेक्टली बेल नहीं मिल सकती। जो भी इंसान इस एक्ट के अंदर अरेस्ट हुआ है उसको बेल कैसे मिलेगी? सबसे पहले उसका बेल एप्लीकेशन होगा। बेल एप्लीकेशन के बाद जो सरकारी वकील है, कौन है जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, उसको मौका दिया जाएगा किस चीज का? बेल पिटीशन को क्या करने का? अपोज करने का। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर विल बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू अपोज द बेल। अब जैसे केजरीवाल बोल दे मैं बीजेपी में जाऊंगा तो क्या होगा? पब्लिक प्रोसिक्यूटर बिल को अपोज करेगा ही नहीं और डायरेक्टली बेल मिल जाएगी। मतलब एक दो बार आपको दिखाने के लिए होगा तो, बट मेन क्या होता है बच्चों, सब डायरेक्टली क्यों नहीं मिलता बेल? आप देखो जो भी पमला के अंदर जेल जाता है, सतीन जैन बच्चों 1.5 साल से जेल में है, 200-500 हजार करोड़ की प्रॉपर्टी बनाई है, बट क्या मतलब कि 1.5 साल से कहां मर रहे हैं और एक दिन जेल में खत्म हो जाएंगे बच्चों। सो बच्चों, तो सबसे पहले क्या होगा, बेल एप्लीकेशन को क्या करेगा बच्चों? अपोज करने का मौका दिया जाएगा किसको? पब्लिक प्रोसिक्यूटर को। प्लस पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या करेगा, बेल को अपोज करेगा, और अगर कोर्ट सेटिस्फाइड है कि नहीं यार अपोज के बावजूद मेरे को नहीं यार इस बंदे को क्या करना चाहिए, बेल मिलना चाहिए, तब बेल मिलेगी, अदरवाइज बेल। हाँ, लेकिन अगर क्या है, किसको अरेस्ट किया मनी लॉन्ड्रिंग के लिए? विमेन को, किसी सिक बीमार इंसान को, पागल इंसान को, तो हाँ, और जहां पे बच्चों मनी लॉन्ड्रिंग का अमाउंट कितने से कम है? 1 करोड़ से कम है, इस केस में बच्चों हम चाहें तो कैसे बेल दे सकते हैं? ओन बॉन्ड पे बेल दे सकते हैं, जो सबसे आसान तरीका होता है। इसलिए पमला के अंदर बच्चों कोई छूटता नहीं, क्योंकि यहां पे ओन बॉन्ड, पर्सनल बॉन्ड पे बेल नहीं मिलता है, ये ध्यान में रखिएगा बच्चों। ठीक है, अच्छा, स्पेशल कोर्ट जो इस एक्ट के अंदर क्रिमिनल कोर्ट बने हैं, वो किसी केस को कब एंटरटेन कर सकते हैं? भाई किसी केस को कब एंटरटेन करेंगे, किसी केस का कॉग्निजेंस कब लेंगे, जो स्पेशल कोर्ट इस एक्ट के अंदर बने हैं? ऑब्वियसली सीधी बात है, स्पेशल कोर्ट को खुद से नहीं आना है। कब? जब इस एक्ट के अंदर अपॉइंट किए गए डायरेक्टर्स या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए गए ऑफिसर्स क्या करेंगे? कंप्लेंट करेंगे, तभी क्या होगा, ये एक्ट, ये जो कोर्ट है, किसी भी एक्ट, ये जो कोर्ट है क्या करेंगे, किसी भी केस का संज्ञान लेंगे।
सेंट्रल गवर्नमेंट इस एक्ट के अंदर क्या कर सकती है बच्चों, डायरेक्शंस इश्यू कर सकती है किसको, उन सारी अथॉरिटीज को, उन सारी अथॉरिटीज को जिस एक्ट के अंदर काम करती हैं बच्चों, उनको क्या इश्यू कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट, क्या इश्यू कर सकती है ऑर्डर्स इंस्ट्रक्शन और डायरेक्शंस इश्यू कर सकती है। ये इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर है कि वो क्या कर सकती है फॉरेन कंट्री मतलब इंडिया में, इंडिया में किसी ने मनी लॉन्ड्रिंग किया और वो कहां भाग गया, फॉरेन भाग गया, या फिर इंडिया में मनी लॉन्ड्रिंग करके प्रॉपर्टी कहां पे खरीद ली, फॉरेन में खरीद ली, तो फॉरेन की प्रॉपर्टी को जब्त करवाने के लिए इंडियन कोर्ट्स क्या करते हैं या इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है, फॉरेन की कंट्री से अग्रीमेंट करती है, और बायलेटरल अग्रीमेंट होता है, रेसिप्रोकल अरेंजमेंट होता है। कौन सा अरेंजमेंट होता है, सेम जैसा इंडिया के लोग इंडिया से मनी लॉन्ड्रिंग करके फॉरेन में एसेट्स क्रिएट कर सकते हैं, उल्टा भी हो सकता है, फॉरेन के लोग फॉरेन मनी लॉन्ड्रिंग करके इंडिया में एसेट्स खरीद सकते हैं, यस, और करते हैं, ऐसे कई फॉरेनर्स की प्रॉपर्टी है। अब गोवा में देखो बच्चों मनी लॉन्ड्रिंग का पहाड़ बना हुआ है फॉरेनर्स का। सो बच्चों सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेके, सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी कंट्री के साथ क्या कर सकती है बच्चों, अग्रीमेंट कर सकती है, किस लिए, अपने इंडियन लॉ को फॉरेन कंपनी में क्या करने के लिए, एनफोर्स करने के लिए। स्पेशल कोर्ट का जो ऑर्डर है अटैचमेंट का या कॉन्फिस्केशन का, उस ऑर्डर को फॉरेन के ज्यूरिसडिक्शन में भी इंप्लीमेंट कराने के लिए, ठीक है। इधर देखिए, नाउ अटैचमेंट सीजर एंड कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी, इधर देखो अगर प्रॉपर्टी कहां पे लोकेटेड है, जिस प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट किया है वो प्रॉपर्टी अगर कहां पे लोकेटेड है, इंडिया में, कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं। लेकिन अगर प्रॉपर्टी कहां पे है, फॉरेन में है, स्पेशल कोर्ट ने कॉन्फिस्केशन का ऑर्डर दे दिया कि विजय मल्ल्या की लंदन की प्रॉपर्टी को क्या कर दिया जाए, कॉन्फिस्केट कर दिया है, तो स्पेशल कोर्ट वो ऑर्डर किसको भेजेगा, क्या नहीं, इसे फॉरेन के स्पेशल कोर्ट को भेजेगा, किस लिए, फॉरेन के कोर्ट की जिम्मेदारी है कि उस ऑर्डर को क्या कर पाए, करवाए, इंप्लीमेंट करवाए। और सेम बच्चों उल्टा कर लो, फॉरेन के कोर्ट ने अगर क्या किया है, फॉरेन के कोर्ट ने कॉन्फिस्केशन का ऑर्डर दिया है, तो फॉरेन का कोर्ट उस ऑर्डर को कहां भेजेगा, इंडिया के कोर्ट में भेजेगा, और इंडिया का कोर्ट क्या करेगा, उस ऑर्डर को किसको देगा, अपने एक्ट के अंदर जो डायरेक्टर अपॉइंटेड है उनको देगा, और डायरेक्टर क्या करेगा, प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट करेगा। मतलब फॉरेन के कोर्ट की बात कौन मानेंगे हम, मतलब क्यों, क्योंकि हमने क्या किया है, अग्रीमेंट किया, बायलेटरल अग्रीमेंट किया। ये सेम बच्चों जो मैंने आपको बताया सेक्शन नंबर 59 रेसिप्रोकल अरेंजमेंट, यस बच्चों। तो याद रखिए इंडियन कोर्ट का ऑर्डर कहां पे जाएगा, फॉरेन कोर्ट, और फॉरेन कोर्ट की जो फॉरेन कोर्ट वहां की अथॉरिटी से इंप्लीमेंट करवाएगा। फॉरेन कोर्ट का ऑर्डर कहां पे आएगा, इंडियन कोर्ट, और इंडियन कोर्ट किसको देगा वो ऑर्डर, डायरेक्टर्स को, डायरेक्टर्स क्या करेंगे, कॉन्फिस्केट करेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। उसके बाद बच्चों केवाईसी नॉर्म्स वगैरह बच्चों, ये तो आप एक बार क्या कर सकते हैं, यू कैन जस्ट रीड दीज थिंग्स एंड दिस चैप्टर विल कम टू एंड। सो बच्चों ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये चैप्टर अपना क्या हो गया बच्चों, खत्म हो गया। ऑनलाइन वाले बच्चों किसी को किसी भी प्रकार का डाउट है तो प्लीज यू कैन टेल मी, यू कैन आस्क मी। चलिए चलिए बच्चों एक बार प्लीज ऑनलाइन वाले बच्चों कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए बेटा जल्दी से। यस, ये मेरे ख्याल से जो 365 डेज है 180 के प्लस में है, एक बार मैं और कंफर्म कर लूंगा, बट आई बिलीव इट इज 180 प्लस 365, ठीक है। चलिए अर्जुन नोट्स मैं ग्रुप पे डलवा देता हूं। यस 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 180 प्लस 365, यस इट इज लाइक दिस ओनली, बट मैं एक बार और कंफर्म कर लूंगा यार। चलिए और किसी को डाउट है तो प्लीज बताइए। बोला चलिए, दैट्स ग्रेट प्लीज सारे लोग आज इसको अभी एक घंटे लीजिए और अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, जो बच्चे सिर्फ ग्रुप टू का पेपर दे रहे हैं।